ये हमारा गोलू, हमारा योवा गोलू है। ये छोटा सा एक बाइबल से एक स्टोरी नैरेट कर रहे हैं। परमेश्वर उसे आशीष करे। मुझे बहुत बड़ा वो मूर्त खड़ा कर दिया और उसने मतलब पूरे राज्य के पूरे प्रजा को और मतलब जितने भी होते हैं तो वैसे मतलब राज्य में सबसे वैसे लगा और मतलब जगह जगह के सबसे बड़े बड़े लोग आए थे और कहीं से मतलब अचानक से ऐसी जाती जो मतलब परमेश्वर के विश्वास थे कि वो मतलब राजा की मूर्ति को बनकर तभी हृदय बदल गया और वो भी विश्वास में आ गए। वो राज जो वो पूरा राज्य था ना वो भी विश्वास में आ गए और जो उनके जो मूर्ति पूजा करने वाले नहीं थे हाँ उनको उसी समय मार दिया था। तो परमेश्वर ऐसा है कि हमें जीवन देने वाला है, बहुत अधिक प्रेम करने वाला है। तो हमें ये सीखना चाहिए इससे कि हमें परमेश्वर में खराई से चलना चाहिए चाहे कोई भी परिस्थिति आए, परंतु पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। और कोई अगर आपको दोस्त बोले ना तो प्रिय पिता तेरी ओर आकर्षित कर खुदावन यीशु मसीह जी, ताकि हम इस वचन को अच्छे से सुन पाए और अपने हृदय पर बसा पाए। खुदावन यीशु मसीह जी ना केवल सुने प्यारे पिता, परंतु हम इसे अपने जीवन पर भी लागू कर पाए। और हमें खुदावन और 10 और 11 पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। तो जैसा कि बाइबल में लिखा गया है कि यदि हमें परमेश्वर पर विश्वास है ना, समझ आएगा नहीं, जब आशीष भाई हमारी एक्सप्लेन करेंगे तब आपको वचन की गहराइयां समझ आएंगी। मैं पढ़ूंगा मत्ती 25:14-30, जिनके पास बाइबल है वो निकाल सकते बाइबल। तीन दासों का दृष्टांत, क्योंकि यह उस मनुष्य के समान दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, इसको देना चाहूँगा। जय मसीह की सबको। इस वचन में हमने देखा जैसे परमेश्वर ने 3 व्यक्ति थे उन तीनों को मतलब तोड़े दिए। तोड़े को मतलब मैं इसमें टैलेंट के रूप में बोलूँगा, मतलब जैसे 3 मनुष्य थे, तीनों को मतलब जिसमें से एक को दिया उसने 5 तोड़े तो, और दूसरे को दिया उसने 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। मतलब इस चीज़ को हम टैलेंट से लेंगे, जैसे जो मतलब पहला वाला आदमी था उसको मतलब 1 टैलेंट दिया उस चीज़ में। जैसे आपने भी देखा होगा जैसे हम जैसे 3 लोग हैं या कितने भी लोग हैं किसी चीज़ के बारे में एक चीज़ के बारे में समझाएंगे तो कोई बंदे ऐसे होते जो उसको जल्दी समझते और कोई लेट समझते, तो वैसे ही उनमें से एक ने 5 गुना ज़्यादा समझा और दूसरे वाले ने 2 गुना। हम यहाँ सभी ने 32वां लिया हुआ है, यहाँ की क्या कहते हैं मयंक और क्या बोलते हैं आयुष और काकू ने 32वां लिया, बाकी तो हम सभी ने लिए। अच्छा इनने भी नहीं लिया 32वां, यहाँ सभी ने 32वां, हम इन चारों के अलावा हम सभी ने 32वां लिया है। पर हम सभी 32वां लेके भी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम 32वां लेने वाले कह सके। जैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया कि मैं 32वां वाला व्यक्ति हूँ ऐसा कहला सकूँ। तो हमें 32वां क्या होता है, 32वां लेने के बाद हमें जो चीज़ें करनी है वो वचन में लिखा है, जैसे कि मती की पुस्तक निकाले मती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से 32वां दो, आमीन। तो इसमें ये कहते हैं कि हमें 32वां लेने के बाद ये सारी चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें करनी है कि हमें ये सुसमाचार पहुँचाए। परमेश्वर
थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आपने हम सभी को हमें सहायता दिया प्रभु।